अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने रेडीमेड पिज़्ज़ा ब्रेड लिया हुआ है, हमने अमूल चीज़ ली है, एक टमाटर लिया है इसको हमने शेप कर लिया है, एक शिमला मिर्ची ली है उसको भी काट लिए हैं, एक अनियन लिया है उसको भी स्लाइस कर लिया है। हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, इसके लिए हम टोमेटो सॉस और शेज़वान चटनी इन दोनों को मिक्स करके हम पिज़्ज़ा ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे। और हमने ये हर्ब्स लिया हुआ है, केया का है ये, ऑल पर्पस सीजनिंग, और ये ओरिगानो है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, पैन को हम गरम करेंगे, हम गैस को स्लो रखेंगे, एकदम धीमी आंच पे हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर सॉस स्प्रेड करेंगे, इस तरह से हम इस पिज्जे को तवे पे बना रहे हैं विदाउट ओवन, ताकि जिसके पास ओवन नहीं है वो भी पैन में बना के खा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम शेज़वान चटनी स्प्रेड करेंगे। हम शेज़वान चटनी यूज़ कर रहे हैं जिसमें सब कुछ ऑलरेडी होता है, गार्लिक चिल्ली, ये तीखी भी होती है। इसके लिए हम चिल्ली फ्लेक्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, और इसके ऊपर हम सारे वेजिटेबल सेट कर देंगे। हमारे पास टोमेटो, अनियन और कैप्सिकम है, हम वही यूज़ कर रहे हैं। आप और भी कुछ चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑलिव। अनियन डाल रहे हैं हम, ये हम वेज बना रहे हैं, हम चिकन पिज़्ज़ा भी बनाते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। देखिए, अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे, अब हम इसके ऊपर ऑल पर्पस सीजनिंग डालेंगे। ऑलरेडी इसमें सॉल्ट है, इसके लिए हम अलग से सॉल्ट नहीं यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा ओरेगानो डालेंगे, चीज़ और डाल देंगे। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है तो बहुत ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए। इसको हम धीमी आंच पे ऐसे 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। देखिए, हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब इसको हम पिज़्ज़ा कटर से
पीस कर लेंगे काट के। और अब तैयार है ये, लीजिए खाइए, बहुत ही लजीज है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।